नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 102 नंबर की किस्त पेश करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा था और सुना था कि किस तरह कातिल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मकसद से आते और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इरादों से पहले ही से वाकिफ़ हो चुके होते और जब उन पर राज खोल देते थे तो किस तरह वो मबहूत हो जाते और बिलाखिर हलक़े बगोज इस्लाम हो जाते। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी फ़तेह मक्का के मौके पर फुज़ाला बिन उमैर के सीने में भी इंतकाम की बिजली कोंदी। दिल ही दिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा बांधा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे थे कि फुज़ाला नमूदार हुआ, करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, पूछा फुज़ाला तुम हो? उसने जवाब दिया हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया क्या बात तुमने अपने दिल में ठान रखी है? फुज़ाला ने घबरा कर जवाब दिया कुछ भी नहीं, मैं तो खुदा का जिक्र कर रहा हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर हंस पड़े और नसीहत की कि खुदा से मगफ़िरत तलब करो, और ये कहते हुए अपना हाथ फुज़ाला के सीने पर रख दिया और उसका दिल ठिकाने आ गया। फुज़ाला का बयान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हाथ मेरे सीने से उठा लिया तो खुदा की मखलूक में से मेरे लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर और कुछ महबूब नहीं रहा। फुज़ाला इस कल्बी इनकलाब से गुज़र कर घर चले गए। सीरत इब्ने हिशाम में ये वाक़या दर्ज है। फातह मक्का बल्कि फातह अरब के ख़िलाफ़ एक शख्स कत्ल का इरादा बांध कर आता है और उसकी बारगाह से नई ज़िंदगी लेकर रवाना होता है। कारी ज़ख्म लगाने आता है और अपने ज़ख्मों के लिए मरहम लेकर के चला जाता है। कुरैश और यहूद और मुनाफिकीन सब के सब अपनी चालें चलते रहे मगर अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। इन साजिशों का असल मकसूद मुजर्रद एक फ़र्द का कत्ल नहीं था बल्कि ये लोग इस्लामी निज़ाम की तहरीक को कत्ल करना चाहते थे। ये सच्चाई की उस सुबह दरखशां को मौत के घाट उतारना चाहते थे जिसके दामन नूर के नीचे तारीकियों के लिए कोई जगह न थी। ये उस निज़ाम नौ का गला काटना चाहते थे जिसने सदियों के ज़ख्म खुर्दा मज़लूम तबकों को पहली मरतबा ज़िंदगी आज़ादी मसावात और इज़्ज़त व आबरू से माला माल किया था। हम ये मदीने की इस्लाम दुश्मन ताकतों की जिन शरारतों का जिक्र करते आ रहे हैं वह अखलाक़ी और कानूनी लिहाज से संगीन जराइम की तारीफ़ में आती हैं और अगर उन पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाती तो दीन व सियासत के बेहतरीन उसूल अदल के ऐन मुताबिक होती, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही ठंडा और साबिराना रवैया इख्तियार किया। जिस तहरीक के सामने असल मकसूद इंसानियत की अखलाकी इस्लाह व तामीर हो इख्तदार की तलवार और कानून के डंडे पर सारा इनहिसार नहीं कर सकती। लोग कितनी भी पस्ती दिखाएं वो इंसानी फितरत से मायूसी को अपना नुक्ते आगाज़ नहीं बनाती बल्कि लंबी उम्मीदें बांध कर कदम बढ़ाती हैं। उसकी असल कुव्वत तालीम व तफहीम होती है ना कि ताज़ीर व तहदीद। इख्तदार और कानून की ताकत से एक मुनासिब हद तक काम लिए बगैर तो कोई निज़ाम रियासत वजूद ही कायम नहीं रख सकता। लेकिन इंसानों के ज़हन व किरदार की तब्दीली का काम तलवारों और कोड़ों से कभी नहीं होता, अकली दलील और अखलाक अपील से होता है। इस राह में गुस्से के बजाय तहम्मुल और इंतकाम के बजाय सब्र ज़्यादा कारगर होता है।
इंसानियत के मुहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ की फ़िज़ाओं को हुस्न अख़लाक़ से रोशन करना चाहा। मुखालिफतों की ज़्यादतियों, मुखालिफों की ज़्यादतियों और फितना साजियों पर एक आला दर्जे का सब्र दिखाया। इतने बड़े आफ़ और इतनी बड़ी चश्मपोशी की मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती कि कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसों की कमाई को फितनों के झगड़ों में उड़ा देना चाहते हैं, नज़्म और क़ानून को मुअत्तल करने के सामान करते हैं, कत्ल की साजिशें गांठते हैं, जलील तरीक़ों से परेशान करते हैं और दुनिया भर में अपने नमूने की पहली नौखेज़ रियासत का सरबरा शर व फसाद के इस तूफ़ान के नरगे में बड़े वक़ार और सुकून के साथ बल्कि बदतमीज़ों को एक मुस्कुराहट की दाद देता हुआ गुजर जा रहा है, छोटी सी हिचकोले खाती हुई कश्ती को निकाल लिए जा रहा है। लेकिन मुखालिफ ताकतों ने भी जुर्म व शरारत की आखिरी हद को छुए बगैर दम नहीं लिया। उन्होंने एक बार नहीं बार बार बागियाना गद्दारी हाई ट्रीजन के खुले खुले इकदाम किए और कोई लिहाज इस बात का नहीं किया कि वो एक दस्तूरी माहदे का कलादा अपने गले में डालकर जिस रियासत के शहरी बने हैं कि जिनकी सज़ा न आज से पहले और न आज सलब शहरीत और मौत से कम रखी गई है। मगर वो जो तमद्दुन की तकदीर बदलने आया था उसने इतने बड़े और मोहलिक जरायम के मुकाबले में भी हद दर्जा तहम्मुल दिखाया और आखिर दम तक ये कोशिश जारी रखी कि दुश्मन ताकत की हिस्से शराफत बेदार हो, उसकी सोचने की ताकतें जाग उठें, वो माकूलियत की तरफ मुड़ जाए और एक बार दूसरी बार तीसरी बार समझ जाए। मगर जो लोग टेढ़े रास्ते पर पड़ गए थे उनकी आंखें नामुरादी की गड़े में गिरने से पहले पहले नहीं खुल सकी। इल्ला माशाअल्लाह हलाकत अंगेज़ गद्दाराना इकदामात की चंद नुमाया मिसालें हम यहाँ आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जिससे अंदाज़ा हो सकेगा कि सच्चाई और नेकी का निज़ाम कायम करने वालों को किन खारजारों से गुजरना पड़ा है। ये बात रोशन है कि बयात उकबे सानिया की मजलिस में सिद्क व इखलास के जिन पैकरों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक के हाथ में हाथ दिया था, इस शऊर के साथ दिया था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने और वहाँ तहरीक इस्लामी का मरकज़ बनने के माने जंग है। ये वाक़या कुरैश के लिए बहुत से वजूह से बड़ा भारी चैलेंज होगा और वो सख्त जज्बाती इश्तियाल में आकर तलवारें सोंत लेंगे। इस बिना पर हकीकत भी वाज़ेह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान आपकी कायम करदा इज्तिमाईयत का वजूद और दूसरे मरकज़ तहरीक का तहफ़्फ़ुज़ ताईद यज़दी के तहत तमाम तर अब अहले मदीना के ताउन पर मुनहसिर था। इसी मकसद से अंसार की नुमाइंदा और फ़ाल नौजवानों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयात ली और इसी गर्ज के लिए यहूदी कबाइल से पहले ही साल हिजरत में मुआहदात उस्तवार कर लिए। अंसार ने तो अपनी बयात का बहैसियत मजमू आखिर दम तक हक अदा किया मगर खुदा की किताब के अमानतदारों और अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिसों ने और उनके अकीदतमंदों ने अपने बांधे हुए माहदों को बार बार खुद ही पामाल किया। सबसे नुमाया वाकया जो गद्दारी का है वो ये है कि कुरैश मक्का ने अब्दुल्ला इब्ने उबै को कारामत तरीन आदमी पाकर उसे खुफिया खत भेजा और उसके जरिए मदीने के फासिद और कमज़ोर अनासिर को अपने असर में लेने के लिए एक हमगीर पैगाम भेजा और लिखा कि तुम लोगों ने हमारे आदमी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप पना दी है और हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं या तो तुम इसे मार डालो या मदीने से निकाल बाहर करो वरना हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ चढ़ाई करेंगे और तुमको कत्ल करेंगे और तुम्हारी औरतों को अपने लिए सामान इशरत बनाएंगे। अब्दुल्लाह इब्ने उबै अगर ईमानदार और शरीफ शहरी होता तो फौरन इस खत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाता और इसकी दिली ख्वाहिश ये होती कि कुरैश की धमकी के मुकाबले में सारे मदीने के जज्बात हमीयत को सफ़ारा कर दिया जाए। लेकिन गद्दारी तो उसकी रूह में रची बसी थी, वो अपने महरूम इख्तदार का इंतकाम लेने के लिए इस पर तुल गया कि कुरैश का मंशा पूरा कर दिया जाए। इसे अंदाज़ा था कि तहरीक इस्लामी के मुकाबले पर मदीने के बासियों में शरपसंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन ये राज बहुत जल्द खुल गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तला हो गए।
खुद अब्दुल्लाह इब्ने उबे के पास तशरीफ़ ले गए और उसे समझाया कि तुम लोगों के अपने ही बेटे भतीजे और भांजे अपनी पूरी क़ुव्वत शबाब के साथ दीन हक़ की अलमबरदारी कर रहे हैं और अगर कोई ऐसी वैसी सूरत पैदा हो गई तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ही औलाद तुम्हारे मुकाबले में खड़ी हैं, तुम्हें अपने ही बच्चों से लड़ना होगा। अब्दुल्लाह इब्ने उबे की समझ में ये बात बैठ गई और वह अपने मनसूबे से बाज आ गया। वाज़ेह रहे कि जंग बद्र के बाद कुरैश ने फिर ऐसा ही ख़त अब्दुल्लाह को भेजा था। इसी फितना गर ने एक नहायत ही नाजुक मौके पर सख्त गद्दाराना इकदाम ये किया कि जब बनु नज़ीर की बार बार की अहद शिकनी और तखरीबी हरकत पर इस्लामी रियासत की तरफ से उनको 10 रोज़ के अंदर अंदर मदीने के हदूद से निकल जाने का हुक्म हुआ और वो उसके लिए तैयारियां भी करने लगे तो अब्दुल्लाह इब्ने उबै ने उनको कहना भेजा कि खबरदार, इस हुक्म की तामील ना करना और अपनी बस्ती को ना छोड़ना। हम 2000 आदमियों की कुमक लेकर के आ रहे हैं और फिर ये उम्मीद भी दिलाई कि एक तरफ बनू क़ुरैज़ा तुम्हारी मदद करेंगे और दूसरी तरफ बनू गतफान तुम्हारे हलीफ हैं। चुनांचे बनू नज़ीर ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा कि हम यहाँ से नहीं जा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जी चाहे करें, बिलाखिर इस्लामी हुकूमत को अपना हुक्म मनवाने के लिए फौजी कार्रवाई करनी पड़ी। फिर इसी शख्स ने जंग उहद के इंतहाई नाजुक और फैसला कुन मौके पर गुल खिलाया कि जब इस्लामी फ़ौज मदीने से निकलकर शवत के मकाम पर पहुंची तो ये 300 मुनाफिकीन को लेकर मदीना लौट गया। यह हरकत इस्लामी फ़ौज की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ थी। कहता यह था कि जब हमारे राय पर अमल नहीं किया जाता और इख्तियारात दूसरों के हाथों में हैं तो हम अपनी गर्दनें क्यों कटवाएं। दरअसल अब्दुल्लाह इब्ने उबै की राय थी कि मदीने से बाहर ना निकला जाए। जंगे उहद का जब तस्करा आएगा तो उस वक्त भी ये तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। तो नाज़रीन गिरामी, सीरत में अलग अलग उनवानात पर वाक़ियात हैं जो आप लोगों के सामने हम वक्तन फ़ौक्तन रख रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला है, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह 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 अल्लाह।